मैं ग्राम पंचायत अफसलसर से सरपंच रामनिवास शर्मा एसपी साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं हम। प्रशासन का अलाइनमेंट एकदम से खराब हो गया, कोई सुनवाई नहीं है। मेरे गांव में भी कुछ दिनों पहले चोरी हुई है, कम से कम 7-8 लाख रुपए का माल निकाल के ले गए। उसमें किसान फोक्स चैनल को भी मैंने बुलाया था, इन्होंने सब चीज जाके देखी है वहां पे, उसकी अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ उसका। अभी कभी केबल उठा ले जाते हैं, कभी स्टार्टर चोर ले जाते हैं, कभी नोजल उठा लेते हैं, इतनी अच्छी हरकत कर रहे हैं। और मैं दादी ब्राह्मण समाज का जिला अध्यक्ष भी हूँ, मेरे समाज की गोवड़ा की एक दुकान है बालाजी चौकी से मात्र 100 मीटर दूर, उसका पूरा सामान रात को 10 बजे तो पुलिस की गश्त एकदम वो होती है, मतलब 100 मीटर दूरी पर है, कोई खुलासा नहीं कर पाए उसका। कुछ दिन पहले अभी केबल मेरे गांव से केबल निकाल ली, कुएं से केबल निकाल ली। कुछ अपील कर प्रशासन से अपील यही करना चाहते हैं कि अपना अलाइनमेंट ठीक करे, और नहीं तो हम करना जानते हैं, हम कर देंगे। उनका व्हील बैलेंस खराब हो गया एक तरह से, अलाइनमेंट से तो गाड़ी चल पाती है लेकिन व्हील बैलेंस से ऐसे थर थर कूदती है एक जगह, तो प्रशासन में तो वो हो गई, तो उसका हम ठीक कर देंगे अगर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो। कुछ भी करना पड़े हमें। अभी 27 तारीख को रात को इतनी हृदय विदारक घटना हुई है, मंदिर में मूर्ति नहीं छोटी है, अष्ट धातु से बनी मूर्ति। तो हम प्रशासन से यही अपील करने जा रहे हैं कि अगर जन्माष्टमी से पहले वो मूर्ति नहीं लगेगी ना, तो हम प्रशासन को दिखा देंगे कि हम क्या चीज है। हर पंचायत के साथ यही हो रहा है, क्यों हो रहा है, 1-1.5 महीने से बहुत ज्यादा आक्रोश है जनता में। चोर बिल्कुल बेखौफ है सर, बेखौफ है। पब्लिक की जान और माल की सुरक्षा की गारंटी तो प्रशासन की है, ये प्रशासन फेल हो रहे हैं, 100% फेल हो रही है। सिर्फ आपको हम बताएंगे कि आपका प्रशासन फेल हो रहा है। हमें लोग हैं वो आशंकित हैं, रिश्तेदारी में नहीं जा पा रहे हैं, खेत खलिहान में जा पा रहे हैं, सब परेशान है। ये तो बिल्कुल 100% पुलिस फेल हो रहा है इसमें कहने। अभी जाजड़ियों की डाणी में एक मेरे गाँव के रिश्तेदार है, उन्होंने आशंका भी जता दी कि ये चोर है, पुलिस फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। 3-4 बार तो मैंने भी बात की है, साहब क्या हो रहा है, बोला ऐसे छोटे मोटे होती रहती हैं, बोलो हमारे को टाइम नहीं है, ये जवाब मिलता है पुलिस से। कौन बोलो? बालाजी चौकी चौकी चार नाम है धूर सिंह जी। सारा जो ग्राम पंचायत है वहां का लेटर पैड साथ में समस्त ग्राम पंचायत का, आज जो गुड्डा तहसील की ग्राम पंचायत है और जका सरपंच आज कारणवश नहीं पहुंच पाया है, वहां को भी समर्थन है। पुनः मैं आप मीडिया के माध्यम से आप लोगों का सहयोग चाहिए हमें कि वो मूर्ति जन्माष्टमी से पहले मंदिर में स्थापित करवाए, प्रशासन सही पताड़ फाड़ के लेके आए, चोरों को कहीं से भी लेके आए। अगर नहीं होगी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, उसके जिम्मेदार प्रशासन होगा। धन्यवाद। और आगे जो जितनी भी आसपास में चोरी हुई है, ये मूर्ति वाला तो आस्था का मामला है, लेकिन जो चोरी हुई है वो ज्यादातर जो है कमजोर तबके की चोरी हुई है, कि किसी ने अपनी बच्ची के लिए गहना इकट्ठा कर रखा था, पैसे इकट्ठे कर रखे थे और वो शादी से पहले चोरी हो गई। किसी ने भात का इंतजाम किया, वो चोरी हो गई। किसी ने जो है अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कोई धन इकट्ठा किया और वो फीस जमा कराने से पहले चोरी होगी। तो आसपास में जितनी चोरियां हो रही है, मेरे हिसाब से और कोई क्षेत्र में चोरियां नहीं हो रही है। लेकिन आपसे मीडिया से मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपका सहयोग हमें चाहिए। और ये जो मूर्ति प्रकरण है, राधा कृष्ण जी की मूर्ति, ये जन्माष्टमी से पहले प्रशासन मंदिर में स्थापित करे सम्मान, तो ही हम रुकेंगे। अन्यथा हमसे जो बंद पड़ेगा, पूरे जोर, पूरे गांव, पूरी पंचायत जो है, पूरी ढाणियां इसमें सम्मिलित होंगी और प्रशासन को इसको अवगत करा देंगे। धन्यवाद सर। मैंने राम राम, मैं सुनील ते देख रहा हूँ किसान फोक्स चैनल। अभी ते देख सको हो कि जकियत बढ़ती चोरियां ही अन लेकी, और आज कई गांव का सरपंच और खास करके केड़ की जनता भट्ठे का कुछ चुनिंदा लोग ही अभी साथ में, तो ऐसा मिलकी और एसपी साहब को ज्ञापन देने जाए। काफी सवाल जवाब होया, जका के मैंने विधायकी के ऊपर भी कुछ एक सवाल पूछने की कोशिश करे गई संजय नेहराऊ, तो बांको जवाब ही थे। जरूर सुनियो, लाइक करियो, शेयर करियो और कमेंट में बतायो।
डेढ़ दो महीना हूँ अभी तो सर्दी को टाइम भी कोने लगभग सर्दियों का टाइम में चोरी है चोर एक्टिव है रहे बरसात भी कोने ठंड भी कोनी है अति जोरदार गर्मी पड़ रही है लोग घर के बाहर ने सो रहे हैं दिन में लाइट आ रही कोनी लिए भी घर के बाहर ने रहे के बावजूद थे देखो तो गुड्डा क्षेत्र में पता करो तो पुलिस थाने में रोजीना की 10-12 डीपी जो ट्रांसफार्मर है जिसका 33 की लाइना 11 की लाइना के जुड़े डाले वहां ट्रांसफार्मर की चोरी हो रही है और हर गांव में 4-4, 5-5 चोरी हो रही है मंदिर में चोरी हो रही है और हद तो यह होगी कि लगभग आपने एरिया में सब पुराणों मंदिर के उजाज के केड गांव में 550 साल पुराणों मंदिर है राधा कृष्ण जी भगवान को जगह अष्ट धातु की मूर्ति है बाकाल चोरी होगी एक भी डीपी चोर कोई घर की चोरी को चोर मोटरसाइकिल की चोरी को चोर पुलिस थाना के सामने मोटरसाइकिल उठ रही गाड़ियां उठ रही और इतनी भयंकर चोरी हो रही है अभी कोई कार्रवाई को नहीं हो रही न पुलिस की भी के बावजूद गश्त बढ़ रही और दूसरी थी स्थिति देखोगा तो 2-4-5 दिन का केस ही गुड्डे के माए कि पुलिस खड़ी रह रहे के गाड़िया ने लोग लगा लगा के लोगों ने घरों को निकल दे रहा जगह हम दिव्यांग मास्टर ही सरकारी मास्टर ही कर्मचारी ही जगह दूसरा लोग ही बाकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं पुलिस खड़ी रही कब्जा करा रही है 15-15 घंटाओं में गाड़िया उठा रही है गाड़ी को नहीं उठ रही इस तरह पुलिस तो दूसरा भूमाफिया ही और ही दूसरा लोग साइड भी के माल आ गई और स्थिति यह हो रही है अब तो गुड्डा के मतलब 1-1.5 महीने तो आ लाग रही है कि शाम को 5 बजे बाद में लोग अपना आपने असुरक्षित महसूस करने लगा कि मेरी गाड़ी का आगे कौन गाड़ी लगा कि लूटपाट ने कर दे इसलिए कि जनता के में बड़ो आक्रोश है और सोच रहा है कोई व्यवस्था ठीक हो जाए लेकिन सर ट्रांसफार्मर जो है कि चीज समझ के कि मौत के मुंह में है वह 10-10, 12-12 चोरी हो लगी भगवान का मंदिर ही लोगों की आस्था है और आत्मा है आत्मा चोरी हो लगी धन की चोरी ने और ने बर्दाश्त करी जा सके आत्मा की चोरी हो लगी ई चीज ने लेखी और एसपी साहब मिलांगा मारा सारा सरपंच साथी है आज मैं मिलांगा बात रखेगो मारो प्रतिनिधिमंडल ई बात लेगी अपन देरा तभी अब बात करा तो 1-1.5 महीने को थे नाम लिए की चोरी ज्यादा बढ़ रही है तो मंत्री जी ने बर्खास्त कर दियो अब भी बाकी कोई प्रशासन मान जो उनके क्यों चोरी हो रही है क्यों ये थे बता रहे हो आरोप लगा रहे हो पुलिस पर की पुलिस खड़े रहे की कब्जा करा तो वह कुछ संज्ञान के हुक्म दे रहे देखो स्थिति अपना आप आपके हिसाब चल है बर्खास्त की है वो सरकार का पार्ट है कल को आचार संहिता भी लगेगी आचार संहिता नहीं लगेगी तो कहीं किसी किसी क्षेत्र में मंत्री नहीं होंगे तो पुलिस काम नहीं करेगी काम नहीं करेगी मंत्री होते हैं वही काम होता है क्या तो ये आपका जो सवाल है ये तो अलग टाइप का है और एक जरूर चीज है एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ी चीज होती है प्रशासनिक में मंत्री महोदय अगर पावर में होते तो उनके अनुसार से ठीक अधिकारी में लगते कमांड होती और होती ये उदासीनता को लेके लच्चर और दो दूसरे लोग हैं उनसे पुलिस दूसरा धंधा मैं कह रहा हूँ ना आपको 2-5 रुपए की व्यवस्था में अपने अपने काम में दूसरे कारोबार है खुद की आय कैसे बढ़े वो स्रोत ढूंढ रही है इसलिए ये फर्क तो पड़ा है लेकिन हमारा तो मांग है कोई रहे मंत्री रहे संतरी रहे कौन रहे क्या नहीं रहे आमजन है हमारी तो ड्यूटी बनती है जहाँ कहीं है तो ऐसे थोड़ी होता है कि सुरक्षा नहीं मिलेगी तो ऐसे थोड़ी होता है तो सुरक्षा तो मिलनी चाहिए पुलिस का जो काम है गवर्नमेंट के एक आम आदमी के पैसे से टैक्स से ये संस्थाएं चलती है इनको सैलरी मिलती है थाने मिल चलते हैं तो वो काम हम तो हमारा राइट है हमारा राइट है उनकी ड्यूटी है तो आज एसपी साहब ने थे ज्ञापन देने जा रहे हो अभी झुंझुनू है ना के कुछ मांग रहेगी थारी वहां मारी तो मांग रहेगी चोरटा पकड़ा जाए पुलिस गश्त बढ़ावे और लोग शांति आप आपके घर जा सके लोग लागे कि शाम पाछे मेरे साथ कोई हादसा हो और न हो जाए इस तरह की कोई हरकत ही जकी रुके और गरीब आदमी कमजोर आदमी जिसका नौकरी पिसो करनी है या और कोई आदमी 5-5 रुपया जोड़ के आपकी जमीन प्लाट कोई ले रखे वहां पर आप भूमा फिर जगह कब्जा ही बन रोक किया जाए पुलिस ठीक तरीके को काम करे और हम मांग रहे तो अभी जगह वर्तमान में जकी घटना हो रही है फिलहाल में बन को जिम्मेदार कौन है कोई जाए कि अब चुनाव आ रहे विधानसभा का इसे जोड़ के आप अध्यक्ष का आगे बढ़ाने प्रशासन है भाई मेरी बात सुनो थे मेरी ग्राम पंचायत केड में बैक टू बैक महीनावार चोरी हो रही है 7-8 चोरी हो चुकी है और आज की चोरी हुई वह तो धन की चोरी हुई लेकिन ये पिछली रात जो की है गांव की आत्मा ने ले गया चोर मारे मतलब 500-700 साल पुराणो मंदिर हो भी मैं बीती ही पुरानी मूर्तियां ही और भी मूर्ति के साथ में केड कोई कोनी आस पास की जो की पंचायत है सकी आस्था से जुड़ी रही और वह मूर्ति रात ने ले गया मार तो आत्मा ही ले गया गांव की और गांव पूरो इस जो है बहुत ही दुखी है पीड़ित है गांव का आज समस्त पंचगण और उप सरपंच और मैं सरपंच के नाते मैं एसपी ने यह ज्ञापन देने जा रहा हूं कि आने वाली जन्माष्टमी से पहले अगर वह मूर्ति मंदिर में नहीं रखी गई
तो माने जो भी उचित लगेगा, गांव ने जो भी उचित लगेगा वो कार्रवाई करांगा। चाहे माने धरनो देनो पड़े, चाहे माने भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे माने जो है कोई प्रकार को उग्र आंदोलन करना पड़े, बी के लिए मैं तत्पर हाँ। लेकिन माने पूरी उम्मीद है कि प्रशासन जो है इनमें एक्टिव होगो और जन्माष्टमी से पहले वह मूर्तियां मंदिर में स्थापित करेगो। अगर यह की नहीं हुई तो 7 तारीख के बाद में मैं आंदोलन करांगा, उग्र आंदोलन करांगा। और प्रत्येक ग्रामवासी जो है वो रोड पा होगो, मूर्ति बे गांव की आत्मा ही। हर धर्म, सिर्फ हिंदू धर्म को नहीं, मुस्लिमों के भी बीती पीड़ा है। गांव का मुस्लिम भी आंदोलन में साथ रहेगा, गांव को हर जाति हर धर्म को आदमी साथ रहेगा और आस पड़ोस की पंचायत भी साथ रहेगी। तो मैं तो एसपी साहब से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि साहब माने थे आर्थिक दंड जो मिलना हो वो तो मिल चुके हो, लेकिन ये हमारी आस्था पर चोट है। इको माने समाधान चाहे और जितनी जल्दी समाधान हो जाए ये प्रशासन के लिए भी ठीक रहेगा, गाँव वासियों के लिए भी ठीक रहेगा। आपको धन्यवाद देंगे, अगर नहीं होता है तो हम उचित कार्रवाई करेंगे। अभी तक थे बतायो कि 7-8 चोरी होगी, अभी तक एक भी चोरी को एक सिंगल चोरी, एक सिंगल चोरी को भी अभी तक जो है समाधान कोने हो, एक चोर कौन पकड़े हो। अच्छा, चोरी भी छोटी मोटी कोरी हुई है, सगली लाखा में हुई है। लोगों का जो है बच्चा की शादी करने वाला हा, बांगा गहना हा, वे गहना रात ने पार करके ले गया लोग, खिड़की दरवाजा पाड़ के और घर में से चोरी करके ले गया। और आज एक बार बताओ, अगर यह स्थिति एक पंचायत की अगर यह स्थिति है तो पूरी उदयपुर वाटी की गुड्डा तहसील की क्या स्थिति होगी? छऊ में चोरी होगी, बजाव खिवासर में चोरी होगी, पाटी वार्ड में चोरी होगी, मेरे तो आसपास की जितनी पंचायत है सगड़ा में चोरी हो रही है, लगातार चोरी हो रही है। एक मनो कौन निकला है चोरी में? चोरी और भय का माहौल ये जहाँ बताया है, पिछले 2-3 दिन पहले जो पूर्व मंत्री हैं बन के पीछे भी गाड़ी लगा के और कुछ बन मारन के प्रयास करा गया, तो क्या पुलिस जानबूझ के सबको लेना चाह रही थी? मैं आप पत्रकार के माध्यम से एक बात आपने कहना चाह रहा हूँ, आप सब बुद्धिजीवी लोग हो, जब एक क्षेत्र को विधायक के पीछे अगर मान लो असामाजिक तत्व ई टाइप से गुंडागर्दी करने की कोशिश कर सके है तो एक आम आदमी की क्या स्थिति हो? एक कॉमन आदमी जो आपकी दिनचर्या में रोजगार करे है, शाम सुबह जाए कमा के लावे और घर आपके जो है ना बीवी बच्चा ने संभाले, या तो भी घर चोरी हो जाए या फिर भी डर बने हुए कि मैं सुरक्षित पूछूंगा कौन पूछूंगा। अब जब विधायक के साथ है या उसके है तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी? भय को माहौल तो है ही, भय को माहौल तो है ही। गैंगस्टर जगह नेशनल गैंगस्टर जगह इंटरनेशनल भी जोड़े, इंटरपोल भी जोड़े, भी गैंगस्टर राजू ठेठ को हत्याकांड हुई कोई गुड्डा क्षेत्र पूरे पे बाज गया, लेकिन ई उदयपुर वाटियों को निकल क्या, गुड्डा क्षेत्रों को निकल क्या, पुलिस आई पुलिस मुस्तैदी, पुलिस चेंज थोड़ी होगी कोई बी के बाद में भी बच्चे को अपहरण हो सीख करूं और वो बैठा लेके भाग गया बाई गुड्डागोड जी की पुलिस भी ने गुड्डागोड जी थाना बाहर ने को निकल क्या। तो आ तो तय शुदा है प्रशासन की लापरवाही है, जानबूझ की है वो काम और है कि अता हाई लाइट मामला हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में चर्चित मामला और ई लेवल का गैंगस्टर जगह पर को निवास है परिंदो बांबा लोग त्रास क्या, तो प्रशासन तो विफल तो है, विफलता तो है ही। यूं बड़ा उदाहरण क्यों होगा? तो विधायक का हाथ में कुछ नहीं होगा। अब विधायक मैं बनू जना बिन मेरे पड़े मैं विधायक का कौन देखे। एक भी चोरी को खुला चुके हैं, पुलिस आपका मूल काम भटक गया, पुलिस ने तो ये लकड़ी वाली गाड़ी चला के मंत्री लेन में कोई पेट्रोल बेचा, अवैध आके मंत्री लेन में अवैध दारू की दुकान चले आगे मंत्री लेन में उछाण बनी, तो पुलिस तो आपका मूल काम भटक गई। यह स्थिति है कि अब जो एक 1.5 महीने के पीरियड में तो कोई चोरी हुई है तो 10-10 दिन तक तो पुलिस मौको मुआयनो करने को मिली तो चोरी खुलासा पुलिस कर ही करेगी। इसलिए सब लोग पूरा प्रतिनिधिमंडल है इसके साहब मिल लगो आज आपकी बात रखेगो और देखिए गेट में देखिए अष्ट धातु की राधाकृष्ण जी की मूर्ति चोरी हुई है, अगर 7 तारीख तक बराबर नहीं हुई तो 8 तारीख में पूरा आंदोलन होगा, बिग को पूरा जिम्मेदार। दूसरे दिन 2 चोरी लगातार हुई, कुंभा गए माजना के पन्नालाल जी का हरिंदर सिंह जी का, फिर 2-4-5 दिन पहले 1 चोरी बांके भगवान सिंह जी को, मेरा रिश्तेदार भी है, और पूरी चोरियों को एक ही पैटर्न है, सुना घराने टारगेट हो गए
कोई विफल है, पुलिस प्रशासन ही मामला कमाई ना 100% विफल है। देखो मैं सबू ग्राम पंचायत के सरपंचपति, मेरे गांव की हालत यह है कि चोर मर्द और जनता फंस। कितनी चोरी होगी सिलसिलेवार, दो महीना का माह या परसों चोरी या चौथी चोरी, सबकी एफआईआर हुई है। पुलिस प्रशासन ने जा जा के हर बार अवगत कराया, बार बार फॉलो अप भी कराया, लेकिन अब तक तो वह खुदा पार निकला चुका। एक ने भी गिरफ्तार, एक ने गिरफ्तार, एक ही चोरी खुलासा बनाया।